मैं शेख मजार, आप देख रहे हैं AHN न्यूज, आपका वक्त आपकी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। आज हमारे बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ सेलफोन पिक पॉकेटर और HB ऑफेंडर्स को गिरफ्तार करे हैं। इनमें से दो M.Vishal 22 साल और नुसरत पाशा 21 साल, दोनों रसलपुरा के निवासी, और एक बॉय जुवेनाइल है। ये तीनों मिलकर बस में ट्रैवल करते हुए लोगों के शर्ट या पैंट के पॉकेट से मोबाइल फ़ोन्स का चोरी करते हैं और उनको मोबाइल फ़ोन मार्केट में बेचते हैं। हमको 6 सितंबर को एक कंप्लेनेंट नारायणा, ये वेस्ट गोदावरी से ट्रेन द्वारा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आते हैं और उधर से एक बस में वो बोइनपल्ली तक आते हैं। बोइनपल्ली में उतरने के बाद उनको पता चलता है कि उनका मोबाइल फ़ोन का चोरी हुआ है। इसके बेसिस पे हमने केस रजिस्टर किया और बोइनपल्ली पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन में इनको, इन तीनों व्यक्ति का ऊपर, इन तीनों को इस केस में गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों ने मिलके अब तक 49 सेलफोन्स के चोरी किया है। ये सब चोरी करने के बाद ये लोग सिकंदराबाद हांगकांग बाज़ार के मोबाइल शॉप्स में और सुभाष नगर के मोबाइल शॉप्स में बहुत कम दाम में ये मोबाइल फ़ोन्स को बेचते हैं। जो मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए गए हैं, सीज़ किए गए हैं, उनका मार्केट प्राइस 5,000 से 30,000 के बीच का है और ये बहुत कम रेट में उनको मोबाइल शॉप्स वालों को बेचते हैं और ये मोबाइल शॉप्स वाले ये मोबाइल फ़ोन्स को दूसरे राज्यों में, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में, इनको उधर बल्क में बेचते हैं। इन तीनों ने ये मोबाइल फ़ोन की चोरी के अलावा दो हाउस ब्रेकिंग ऑफेंस भी किया है इन्होंने, एक अलवाल पुलिस स्टेशन लिमिट में और दूसरा बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में। इन दोनों केस में 5 तोला गोल्ड रिकवर किया गया है। इससे पहले भी 2017 में इनको अरेस्ट किया गया था, जिसमें बॉय जुवेनाइल को जुवेनाइल होम भी भेजा गया था। उधर से रिलीज होने के बाद इन्होंने ये चोरियां किए हैं। ये केस रजिस्टर होने के बाद ACP बेगमपेट राम रेड्डी के नेतृत्व में SHO बोइनपल्ली चंद्रशेखर रेड्डी, एडिशनल इंस्पेक्टर बोइनपल्ली अकरम बाबा और उनके पूरे क्राइम स्टाफ, कांस्टेबल हरि, कांस्टेबल रमना, कांस्टेबल मनोहर, कांस्टेबल महेश, कांस्टेबल परमेश, होमगार्ड मुन्नैया और मोहन रेड्डी, इन सब लोगों ने मिलके ये केस को डिटेक्ट किया है।